assalamu alaikum senior 2 i hope you all are doing well class we have started our topic chapter number 1 earth from the geography portion and our today's topic is how to measure an earthquake, yani hum earthquake ko kaise measure karte so open your books page number 15 richter scale the richter magnitude scale developed by charles f richter in 1935 which is used to measure earthquakes रिक्टर स्केल मेजर्स दर एनर्जी रिलीज डूरिंग एन अर्थक्वेक यानी अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है एक स्केल के थ्रू जिसका नाम है रिक्टर स्केल जिसे किसने बनाया था चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में जिसका मकसद ये था कि हम ये देख सकें जो अर्थक्वेक आया जो जल्जला आया उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो कितना स्ट्रांग है हम ये कैसे यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पे आप देखो नाउ मोर में आपको टेबल दिया गया इसमें रीडिंग्स आपको बताए गए यूनिट्स बताए गए इनको यूज़ करके हम इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कि वो कितना स्ट्रॉग था अर्थक्वेक का साइज कितना था जैसे हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि टेम्परेचर कि कितना है फीवर कितना है 100 हंड्रेड टेम्परेचर है 102 जीरो टू है या 104 जीरो टेम्परेचर है इसी तरह वो यूनिट्स यूज़ करके हमें पता चलता है टेम्परेचर कितना है इस तरह डिक्टर स्केल पे ये सारी रीडिंग्स हैं जीरो टू एट जिससे हमें यह पता चलता है कि जो अर्थक्वेक था उसकी इंटेंसिटी कितनी थी जैसे यहाँ पर आपको बताया गया जो मैग्नीट्यूड है थ्री से कम होगा तो इसका मतलब है वो इतना महसूस नहीं किया जाता और ना ही वो रिकॉर्ड होता है लेकिन थ्री टू फाइव तक तो इसका मतलब है कि वो महसूस किया जाता है लेकिन उससे नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होता इसी तरह जैसे जैसे ये रीडिंग्स ज़्यादा होती जाएंगी जैसे आपको बताया गया है पे तो वो बिल्कुल जब सेवन पॉइंट जीरो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग जो अर्थक्वेक आता है तो वो बिल्कुल हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसको कोलेप्स कर देती हैं यानी उससे इतना ज़्यादा नुकसान होता है तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉग अर्थक्वेक होगा उतना ही ज़्यादा हम नुकसान डैमेज फेस करेंगे तो इसको यूज़ करके इन यूनिट्स की बेस पे हम जज करते हैं कि जो हमारा अर्थक्वेक है वो कितना आया है उसकी इंटेंसिटी उसका साइज़ कितना था अब हमें ये कैसे पता चलता है कि हमने इन यूनिट्स को यूज़ कैसे करना है और थ्री था सेवन था इसके लिए हम यूज़ करते हैं साइजमोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट वो क्या चीज़ है हम उसकी रीडिंग देखते हैं Seismograph. The impact of an earthquake travels in the form of waves. Seismic. To measure the waves, an instrument called a seismograph is used. For this purpose, it is held in a very solid position on the bedrock or on a concrete base. यनि साइजमोग्राफ में क्या होता है एक बेस होती है जिसके ऊपर एक रॉड लगा होता है जिसके ऊपर एक पेपर होता है उन पेपर के ऊपर क्या काम किया जाता है जो ऊपर एक पेन टाइप आप कह लो लटका होता है वो पेन क्या करता है वेव्स को जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं उनको रिकॉर्ड करता है उस पेपर के ऊपर जो रॉड के ऊपर लगा होता है ये कैसे काम करता है वो इस वीडियो में देखो आप लोग ये बच्चों और साइजमोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप देख रहे हो रॉड है जिसके ऊपर एक पेपर लगा हुआ है और ऊपर जो पेन लटक रहा है वो जो वेव्स हैं उनको रिकॉर्ड करता है जैसे ही आता है वो भी मूव करता है और वेव्स को साथ साथ छोटी हैं या बड़ी वेव्स हैं उनको रिकॉर्ड करता जाता है उस पेज के ऊपर तो ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे काम करता है ऐसे जो वेव्स हैं की उनको रिकॉर्ड करता है और बाद में उनको मेजर किया जाता है कि वो कितनी स्ट्रांग थी कितनी स्ट्रांग नहीं थी ठीक है तो ऐसे हमें पता चलता है कि जो अर्थक्वेक है अगर वेव्स छोटी होंगी तो इसका मतलब है जो 3.5 था या 3.5 से कम था इसी तरह जैसे उनका साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा हमें यह पता चलता जाएगा जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो कितनी ज़्यादा थी और उससे हमें कितना नुकसान हुआ था तो इस तरह हम रिक्टर स्केल और साइजोग्राफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर अर्थक्वेक और, और उससे कितना नुकसान हुआ है अब यहाँ पे आपको मेजर अर्थक्वेक्स बताए गए पूरी दुनिया में कब आए थे और उनकी इंटेंसिटी कितनी थी उनसे नुकसान कितना हुआ था और पाकिस्तान का भी बताया गया है कि उसके मेजर अर्थक्वेक्स कब आए थे कहाँ आए थे उनकी इंटेंसिटी कितनी थी जैसे कश्मीर में आया था 2005 में जिसकी इंटेंसिटी थी 7.8 पॉइंट एट बलोचिस्तान में टू में सेवन पॉइंट सेवन उसकी इंटेंसिटी थी इसके अलावा कोयटा में टू थाउजेंड एट और उसकी इंटेंसिटी थी 6.4 तो आप ख़ुद देखो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी रिलीज़ हुई तो उसका नुकसान कितना ज़्यादा हुआ होगा पाकिस्तान में तो वो आपको बताया गया मेजर अर्थ क्वेक्स इन पाकिस्तान नाउ मोर द एनर्जी रिलीज फ्राम एन अर्थ क्वेक कैन बी अपू टेन थाउजेंड टाइम्स मोर पावरफुल दैन द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब यानी जो एनर्जी रिलीज़ होती है अर्थक्वेक के दौरान वो इतनी स्ट्रांग होती है देखो तभी तो इतना ज़्यादा नुकसान होता है हमारी कम्यूनिटी का बिल्डिंग्स का ह्यूमन लाइफ का एंड एवरेज क्विक लास्ट अराउंड अ मिनट जो एवरेज अर्थक्वेक होता है वो कितनी देर तक रहता है एक मिनट तक पार्क फील्ड कैलिफोर्निया यू एस एज़ नोन एज द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इसे क्यों कहा जाता है ये क्योंकि यहाँ पे यू एस ए में सबसे ज़्यादा जो जल्जले आते हैं उसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जल्जिले आए हुए हैं इसलिए इसे कहा जाता है द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स मूव लेस दैन थ्री इंचज सेवनटीन सेंटीमीटर पर ईयर हाउ हैवर अटेक्टॉनिक प्लेट मूवमेंट ऑफ जस्ट ट्वेंटी सेंटीमीटर इज इनफ टू सेट ऑफ आ मेजर अर्थक्वेक यानी नॉर्मली जो प्लेट्स मूव करती हैं वो कितना मूव करती हैं सेवेंटीन सेंटीमीटर तक लेकिन अगर ट्वेंटी सेंटीमीटर तक मूव करें तो इतना काफ़ी होता है एक जो मेजर अर्थक्वेक है उसको लाने के लिए तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको बताएगी अर्थक्वेक के बारे में नाउ सी द बिजी बी क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज कि इसमें आपने क्या करना है आपने अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है सर्च करना है कि वो कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं जल्जले से अपने आप को बचाने के लिए और उसको आपने पॉइंट्स लिखने के बाद मुझे गूगल क्लास के ऊपर भेजना है यह आपकी आज की एक्टिविटी होगी नेक्स्ट टॉपिक इज़ सुनामी अ सुनामी इज़ अ लार्ज एंड पावरफुल ओशन वेव डैट ग्रोस इन साइज एज इट रिच इज़ द शोर इट इज़ जनरेटेड बाई सडन डिसप्लेसमेंट ऑफ वाटर इन द सी फ्लो विच कुड बी बिकॉज ऑफ अर्थक्स लैंडस्लाइड्स, स्लाइड्स वॉलिक ग्लेशियर्स ब्रेकिंग ऑफ सुनामी हम किसे कहते हैं जो एक लार्ज ओशन वेव्स होती हैं जो कि पानी में ग्रो करती हैं ओशन्स में क्यों क्योंकि जो पानी में डिस्टर्बेंस होती है ड्यू टू अर्थक्वेक और वॉलैनो एरप्शन की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो वेव्स हैं वो ग्रो करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मूव करने के बाद शोर तक यानी साहिल तक पहुंचती हैं और जब ये आती हैं हमारे ज़मीन तक आती हैं तो ये काफ़ी नुकसान करती हैं और इनकी हाइट कहाँ तक जा सकती है हंड्रेड फीट तक इससे काफ़ी जानी और माली दोनों नुकसान होते हैं यानी ये अपने रास्ते में इसके जो भी चीज़ आती है उसको तबाह कर देती है और ये जो वेव्स हैं वो इतनी डिस्टेंस तक इतनी तेज़ी के साथ ट्रैवल करती हैं कि मिनटों में ये काफ़ी हद तक काफ़ी दूर तक पहुंच सकती हैं और ये जब ज़मीन पे आती हैं जब साहिल पे पहुंचती हैं तो ये बिल्कुल इट्स लाइक अ वॉल ऑफ वाटर जिससे काफ़ी नुकसान होता है यानी काफ़ी बिल्डिंग्स काफ़ी ह्यूमन लाइफ का तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती हैं नाउ मोर ऑल दो सुनामी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते इसे रोक नहीं सकते लेकिन इसे बचा जा सकता है अगर हमें पहले से पता हो कि सुनामी या जल्जले वग़ैरह आने वाले हैं पाकिस्तान में इसके लिए एक डिपार्टमेंट है जो कि हमें यह मॉनिटर करने के बाद इन्फॉर्म करता है वॉर्न करता है कि जो जल्जे अर्थक्वे है सुनामी आने वाला है उसका क्या नाम है पाकिस्तान मिटोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसका काम यह है कि वो मॉनिटर करें कि अर्थक्विक और सुनामी आने वाले हैं ताकि हमें वार्न कर सकें और हम लोग उस वार्निंग की बेस पे अपने आप को बचा सकें या जो भी मेजर्स हैं अपने आप को बचाने के लिए वो ले सकें ओके सो दिस इज़ हाउ वी मई द अर्थ क्विक एंड द सुनामी ग्रोज ओके सो दिस इज़ इट फॉर टुडे आई होप क्लास यू ऑल गेट इट सो नाउ वट यू नीड टू डू इज़ टू रीड दिस टॉपिक्स प्रॉपरली फ्रॉम द बुक ओके अल्लाह हाफिज़